और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुबह 9 बजे की 9 खबरें फटाफट अंदाज में। ठंड और कोहरे के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से ही लगी लंबी कतारें। हरिद्वार से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। गुजरात के सूरत में मनाया गया भगवान राम का 3D बैनर, भव्य रूप में दिख रहे हैं भगवान। राम मंदिर की मजबूती को लेकर रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा, 2500 साल तक भूकंप से सुरक्षित है राम मंदिर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल रिंग रोड परियोजना का शुभारंभ किया, परियोजना को पूरा करने में लगेंगे 1766 करोड़ रूपये। उधम सिंह नगर के सरकारी अस्पताल में अर्जुन नेत्र बैंक की शुरुआत की गई, सालों पहले अर्जुन नाम के मृत बच्चे की आंखें की गई थी दान। गुजरात के नर्मदा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिला अस्पताल में लैब का उद्घाटन किया, उपकरणों के बारे में जानकारी ली। हरिद्वार में युवाओं को गांव से जोड़ने के लिए गांव चलो अभियान का आयोजन, कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हुए। अकोला रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवान की दिलेरी, जान पर खेलकर यात्री को बचाया, घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई।